हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। आज का ये वीडियो ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप सब लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सियाराम जी की पेंटिंग बनाओ 22 जनवरी के लिए। इसलिए आज मैं एक क्यूट सियाराम जी की ड्राइंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और इसका कलर पार्ट भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। सो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो अपकमिंग और भी वीडियो देखने के लिए। और हाँ, आप अगर इस ड्राइंग को बनाना चाहते हो तो इसका रेफरेंस इमेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। और मैं इस ड्राइंग को ग्रिड मेथड के हेल्प से बनाने वाली हूँ। तो आपको अगर नहीं पता कि ग्रिड रेफरेंस इमेज के ऊपर कैसे बनाते हैं, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप लोग वहाँ से चेक कर लेना। सो मैं पहले पेपर के ऊपर ग्रिड बना रही हूँ। यहाँ पे मैं ड्राइंग बनाने के लिए A4 साइज पेपर का यूज कर रही हूँ, और ग्रिड बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर गैप में डॉट्स लगा रही हूँ। आप लोग अगर A4 के बदले A3 या फिर A5 साइज का यूज करते हो तो उसके लिए भी मैं मेजरमेंट बता देती हूँ। A3 के लिए आपको 2.5 सेंटीमीटर गैप में डॉट लगाना पड़ेगा, और A5 के लिए 1.5 सेंटीमीटर। तो मैंने सारे डॉट्स लगा दिया। अब खाली मैं दोनों साइड के डॉट्स को एक रूलर की हेल्प से जोड़ दूंगी। और हाँ गाइस, सब लोगों को शायद नहीं पता, मेरा एक ब्लॉग चैनल है जिसमें मैं अपने ड्राइंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ, जैसे कि मैं कौन कौन से ड्राइंग मटेरियल्स यूज करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, या फिर मैं कैसे वीडियो शूट करती हूँ। वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में उस चैनल पर अपलोड करती हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक दे दूंगी। आप लोगों को अगर उस चैनल के वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आप लोग इस चैनल को जैसे सपोर्ट करते हो, तो वैसे ही उस चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज कर देना। और देखो, बातें करते करते हमारा ग्रिड बन गया है। अब मैं इसमें नंबरिंग कर दूंगी, जिससे ड्राइंग बनाते टाइम मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं। सो देखो, मैंने रेफरेंस इमेज के ऊपर ग्रिड ऐड कर लिया है, और मैं आज राम जी के मुकुट वाले पार्ट से ड्राइंग बनाना शुरू करूंगी। इसके लिए मैं पहले फाइंड कर लूंगी मुकुट वाला पार्ट कौन से नंबर बॉक्स पर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मुकुट का ये वाला हिस्सा 5x3 नंबर बॉक्स पर है। तो ये वाला बॉक्स पेपर पर फाइंड करके मैं एक डॉट लगा दूंगी, और इसका दूसरा वाला हिस्सा ढूंढकर भी डॉट लगा दूंगी, जिससे हम परफेक्टली ड्रॉ कर पाए। तो फाइनली अब मैं ड्राइंग बनाना शुरू कर रही हूँ। और हाँ गाइस, एक और बात, आप लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आर्ट कंपटीशन के लिए। मैंने कहा था 500K में आर्ट कंपटीशन करवाऊंगी, बट मैं करवा नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। बट यार, एक गुड न्यूज है, मैंने न्यू ईयर स्पेशल आर्ट कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी है। सो आर्ट कंपटीशन वाली वीडियो मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, और साथ में मैं एक Q&A वीडियो अपलोड करने के बारे में भी सोच रही हूँ। आप सभी का क्या राय है कमेंट पर बताओ। और हाँ, मैं ये वीडियो अपने व्लॉग चैनल पर अपलोड करूंगी, सारे अपडेट्स आप लोगों को वहीं पर मिलने वाला है, तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो अभी आप लोग देखो मैं कैसे आउटलाइन बना रही हूँ।
ड्राइंग कंप्लीट होने ही वाला है गाइस। ये वीडियो और आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो देख लो इसका फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय सियाराम।